गाइज मेरे नाखून लंबे हो गए, अम्मी को पसंद नहीं आया और अम्मी ने बोला जा और ये नाखून। यहाँ अम्मी की मतलब हालत खराब हो रही है, यहाँ अपनी नंद और अपनी भांजी को लेकर आई। 10 के 2, 10 के 2 4 ग्राम 4 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ मस्जिद पे आए हुए हैं, देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो नंद को लेकर आई हूँ घुमाने के लिए। समीन को एडिटिंग करना था तो वो लोग आए नहीं है। यहाँ पर वजू करने के लिए अब लोग वजू कर रहे हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं। कितने का भैया? 100 रुपए का। काशिफ का आ गया है PS5, तो ये बहुत खुश है, आज जल्दी से लेकर आया है, आज ही आया इसका। एक क्लिप बस ऐसे ले लो कि तो मैं कल जाऊँ मस्जिद से, आज मैं मिल रही हूँ आपको अचानक से यहाँ पर मुगल गार्डन में। इतना लेट हो गया अभी, अब हम लोग एंट्री हो गई है यहाँ पे। स्वीटी समीन सुबी और मेरी नंद आगे में है। भीड़ देख सकते है कितना ज्यादा भीड़ है, अल्लाह। तो यहाँ तक तो आप पहुँच गए, अब यही सब देखना है कितना खूबसूरत फूल है। और यहाँ पर ये देख कर आप पता कर सकते हैं कि कौन सा फूल है। यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा खूबसूरत फूल है। रुक जा बेटा, एक जगह मिल गया है फोटो के लिए, फोटो क्लिक कर रही है। तो गाइस यहाँ अम्मी की मतलब हालत खराब हो रही है, यहाँ अपनी नंद और अपनी भांजी को लेकर आई है। नहीं, मुझे पता होता कि फूल को टच भी नहीं कर सकते हैं तो आते ही नहीं। अच्छा, दूर दूर से देखना पड़ता है। और इतना खूबसूरत फूल है ना यार, कि मजा ही आ गया। दिल कर रहा सारे गमले को उठा के मैं अपने घर में ले जाऊँ। सच में दूर से ही देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है। मैं दिखाती हूँ आपको कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो ये फूल है भाई, क्या मस्त है यार। काश ऐसा मेरे घर में होता, मजा आ जाता। मतलब ये मेरे घर के बाहर का गार्डन होता एक सपनों में। ये सारा गुलाब के फूल है, तरह तरह के हैं। बहुत ज्यादा भूख लग गई है तो कुछ खाने के लिए। तो समरीन भूख लगी है तुमको? बहुत ज्यादा, बहुत कुछ खाने के लिए भूख लगी। भूख लगी इसको तो कुछ ज्यादा ही लग जाती है। भूख लगी है, मैं तो लगी अभी कि चक्कर आ रहा है, भूख लग रही है घर से ही। मैं तो जल्दी उठ के गए थे, सब नान खटाई खाऊंगा आज। सब जल्दी से, हाँ सब जल्दी जल्दी नाश्ता कर ले। मैं तो नान खटाई ही खाऊंगा, यहाँ पे नहीं है नान खटाई। तो हम लोग थक के बैठ चुके हैं, वो लोग गए हैं लाने के लिए, देखते हैं क्या लेकर आते हैं। भीड़ देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पर भी। अभी हम लोग खाकर फिर अनु के घर जाना है, तो आज वहीं रुकना है अनु के घर पे ही। गाइस मैं वहीं आई हूँ, प्राइवेट रूम जहाँ जब मेरा सर दर्द होता है तो मैं यहीं आ जाती हूँ। अब ज्यादा क्या काम से थक जाते हैं तो यहीं आ जाते हैं। पानी ला रहे हैं, गरम पानी पी रहे हैं। हाँ, गरम पानी। समरीन भी थक गई है आज बहुत ज्यादा। प्रैंक करना खुशी पे कि कोई नहीं आया, हम लोग छुप जाएंगे। हाँ। और बहुत ही साफ एकदम घर को बनाई हुई है अनु, हम लोग के आने की पूरी तैयारी करी हुई थी। क्या आप लोगों ने हमारे ब्लॉग में देखा होगा, चाय बन रही, तब तक चाय ही बन रही क्योंकि अभी बन रही है, आधे घंटे बाद चाय वो डल गई है। मेरे पास एक कप वाली भर के चाय देना, ये देखिए गाइस, ये रहा भर कप चाय, क्योंकि मुझे पिछली बार थोड़ी सी कम चाय मिली थी क्योंकि इसने पी लिया था। गाइस मैंने नहीं पिया था, झूठ मत बोला करिए, झूठी कहीं। गाइस ये अपने घर पे बुला के खुद ज्यादा चाय पीती है और मुझे कम देती है। उन्होंने खुद बनाया था गाइस, और मुझे एकदम पेंदी में चिपका हुआ चाय दिया। सबका जूठा पी थी। हाँ, सब ये जूठे में से निकाल निकाल के। अब अभी तो मैंने चाय ले ली। गाइस देखिए कितनी गंदी हरकत करती है ये। 10 के 2, 10 के 2 4 ग्राम 4 ग्राम अदरक वाली चाय, अनु चाय वाली। क्यों ये ऊपर? प्लीज चीटिंग मत करो, ये मेरी चाय है। नॉट चीटिंग। देखा गाइस ये कैसे ट्रे में से फटाफट। अरे आपका साइड है, रख के ले जाइए ना, नहीं तो फिर गिर उड़ जाए। नहीं नहीं मिल, छोटी बच्ची है ना। ये लड़की खाना बना रही है हमारे लिए। चाय चाय ज्ञान के लिए, ज्ञान को ले दो। अरे ज्ञान आ गया सब्जी लेकर, सब्जी बाग से। ये एक कप चाय किसकी बच गई? आओ इधर आओ पूछते।
ये भोजपुरी गाना सुन रही क्योंकि सबनी भोजपुरी क्वीन है। अच्छा किस किस को चाय मिल गई गाइस। यहाँ देखिए नंद और भाभी की बातचीत खत्म नहीं होती है, 24 घंटे लोग चाय पी रहे हैं और 24 घंटे बात कर रहे हैं ये लोग, इनकी यही छुट्टी है। यहाँ पर आज मेरे लिए नाश्ता आ गया है, देखो नाश्ता आ गया, यह भयंकर नाश्ता है आज अन्नू के तरफ से। दस रुपए का 5 पकौड़ी, जिसको जिसको खाना है 10। सुबी खाना है, खाना है आज 10 का 5। वो बना बना के ला रही है और हम लोग बेच रहे हैं। चाय कितने का है? 10 का चाय है वो, भाई स्पेशल चाय तो 10 का नहीं मिलता, पानी वाला चाय ऐसे बोलता है। आ चुका है हमारा प्यारा प्यारा नाश्ता और समरीन तैयार हो रही है, सूबी खाने के लिए तैयार है और ये देखो लेटा हुआ इधर बेचारा पेपर का तैयारी कर रहा है, ये अपना काम दूसरे से करवाता। तो चलो अब नाश्ता हम करते हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि अभी से क्या हो रहा है। तो ये लड़की हम पर ऐसा प्रैंक की है गाइस, मेरे नाखून लंबे हो गए, अम्मी को पसंद नहीं आया और अम्मी ने बोला जाओ और ये नाखून हटवा के आओ, लेकिन मैं इतनी ढीठ हूँ कि मैंने तब भी ये नाखून नहीं हटवाया, लेकिन अब हटा रही हूँ भाई, ये मैंने खुद चिपकाया है, निकल ही नहीं रहा, दर्द हो रहा है। हमें बोली कि तुम्हारे लिए ना सरप्राइज गिफ्ट लाए, अब यार ये निकल ही नहीं पा रहा है, निकल नहीं पा रहा, जल्दी से निकालो। समरीन मेरा वीडियो एडिट कर रही है आज 10 दिन बाद मेरी वीडियो, हाँ बहुत जल्दी। गाइस अम्मी का सारा काम मैं करती हूँ, गाइस आप लोगों को प्यार दिखाना पड़ेगा यार, क्योंकि मैं सारा कुछ करती हूँ, तो आप जब मुझे प्यार करते हो तो इस चैनल को भी प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। निकल पा रहा ये लड़की, ये अपने आफत गले डाल ली है, ऐसा नाखून भी खिंचाने जाए, ये सब ऐसा काम क्यों करती हूँ। अल्लाह बहुत दर्द कर रहा है, वीडियो के चक्कर में ये नाखून को भी निकाल लेगी अपना रियल नाखून। देखो आप लोग के लिए कितना मेहनत करती है ये बच्चा, आप लोग इसको प्यार दिया करो। अल्लाह एक निकला, इतना नाखून कब चिपकाए तुम सुबह? खाना चावल नहीं बनाया। अच्छा ऐसा हो सकता है सही में? ना, तुम रेगुलर मांगती हो कि चावल ही बनाओ चावल ही बनाओ, क्यों? तो मम्मी अच्छा लगता है, अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर दादी भी गाइस चावल वाले से होगी, चावल बेचता होगा, यस चावल वाले सारे लोग रिश्ता भेज रहे हो। नहीं कभी कभी आदमी रोटी भी खा लेता है, चलो अल्लाह बहुत दर्द कर रहा है, हाय ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब गाइस मुझे लगता है ये हमेशा ऐसे ही रहना होगा, और आपने क्या ऐसे नाखून वाली किसी को देखा है? अगर देखा तो कमेंट में बताना, मैं तो देखी हूँ गोल्डन सोने की जो नाखून लगाई होती है। चलो फिर कुछ होता है तो फिर आपको दिखाते हैं, इसका नाखून अगर निकल जाता तो फिर आपको दिखाएंगे। अभी हम दिखाते हैं आपको कि हमारे घर पे आज क्या पका है, तो चलो जी चलो। गर्मी आ चुकी है अब बहुत ज़्यादा ही, बहुत गर्मी लगती है, तो आज खाने में क्या है, यहाँ पे है खाने में अभी आटा यहाँ पे रखा हुआ है, जिससे बनी हुई रोटियाँ, समरीन के लिए स्पेशली चावल बनने जा रहा है अभी, देखो। और सालन में क्या है ये भी देख लेते हैं, सालन में है ये इसको क्या बोलते हैं, कोफ्ता, आलू कोफ्ता, आलू कोफ्ता बना है आज, आलू कोफ्ता चावल। और बस आज के लिए इतना ही खाना होगा, क्योंकि यार कितना खाएंगे, ठूस ठूस के मोटा होना है क्या। बहुत गंदी शक्ल बनाई है मैंने, बहुत ज्यादा। मुक्कू राजा को देखते हैं किधर है, वो इधर सोया हुआ है, इधर देख।